नमस्कार दोस्तों, पीबीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ विशेष पढ़ने वाले हैं। सभी के लिए होगा, ये मास्टर क्लास होगी, याद रखना, किसी विशेष के लिए नहीं होगी। क्लास फाइव से लेकर के और आपका टेट सीटेट डीएलएड एसएससी बैंक रेलवे सभी के लिए है। बेसिक कॉन्सेप्ट होगा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना। डीएलएड वालों के लिए तो एकदम संजीवनी है, एक प्रकार से जान लीजिएगा। जैसे किसी भी चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं। जैसे आपको अगर कहीं जाना है, रिश्तेदारी जाना है, तो आप कैसे कैसे जा सकते हो। नंबर एक, फ्लाइट से जा सकते हो आप, प्लेन से, ऐसा तो बहुत कम लोग जाते हैं। नंबर दो, आप ट्रेन से जा सकते हो। नंबर तीन, आप बस से जा सकते हो। नंबर चार, आप अपनी बाइक साइकिल से जा सकते हो। नंबर पाँच, आप पैदल जा सकते हो। 11 नंबर गाड़ी हमारे सर जी बोलते थे पैदल को, ठीक ना। तो ये सारे तरीके होते हैं। उसी तरह से समीकरण को जो हल करने का भी ढेर सारा तरीका है। इसको मान लो प्लेन, इसको ट्रेन, इसको बस, तो अब आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? प्लेन वाला। जी बिल्कुल, सबसे आसान ये होता है तरीका, और ये एक प्रकार से सबसे तेज भी होता है, आसान होता है। दूसरा होता है पूर्व वर्ग द्वारा, और एक होता है सूत्र द्वारा। तो चलिए हम आपको एक एक प्रकार से बताएंगे कैसे आप करेंगे। ध्यान से देखना और इस क्लास को पूरा देखना, समझ में आने की हमारी गारंटी होगी। बस आप क्लास छोड़ के मत जाना। देखिए, कुछ इक्वेशन होते हैं उनको तो आप गुणनखंड से कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते हैं। चलिए अब हम आपको एक ही समीकरण को तीनों विधि से बताएंगे। समीकरण देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल जीरो। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्लास को पूरा देखना है तो देखिएगा, जिसको जाना है अभी चला जाए। अगर पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं साथियों, पहले जो बीच वाला पद होता है उसको दो भाग में तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के लिए जरा दिमाग से सोचना कैसे होता है। जोड़ने पर ये नंबर आए बीच वाला, यानी कि जोड़ने पर सात आए और गुणा करने पर ये आए दस। आप कुछ लोगों के तो पल लेना पड़ा होगा, ये जोड़ने गुणा करने का मतलब क्या हुआ। मतलब ये कि कोई दो अंक बताओ जिसको अगर जोड़ दें तो सात हो जाए और गुणा कर दें तो दस हो जाए। अब आप सभी के मन में आ गया होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो वो है पाँच और दो, पाँच दो जोड़ोगे सात हो जाएगा, गुणा करोगे तो दस हो जाएगा। हो गया ना। तो बस यही तो था इसका मेन, गुणनखंड विधि का मूल जो है निकालने के लिए ये मेन फंडा है जो हमने कर लिया। ये देखो, फाइव प्लस टू इंटू एक्स प्लस टेन इक्वल जीरो। क्वालिटी को थोड़ा चेंज कर लेना, अच्छा दिखेगा, बाकी सब ठीक ठाक है। और बात को सुनिएगा भी, इसलिए दिखेगा भी नहीं तभी समझ जाओगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा करोगे 5 में तो 5x, एक्स का 2 में करोगे तो 2x प्लस टेन इक्वल जीरो। इसमें दोनों में कामन ले लो, इसमें दोनों में, तो ये कामन x हो जाएगा, तो x प्लस 5। इसमें देखो क्या कामन होगा, इसमें दोनों में दो कामन होगा, बीच में प्लस था तो प्लस, तो ये भी x प्लस 5 इक्वल जीरो। इसकी एक खासियत होती है कि दोनों कोष्ठक के मान जो हैं बराबर आते हैं सदा, चिन्ह भी बराबर रहेगा एक समान। तो इस तरह से x प्लस 5 इक्वल जीरो तो रहेगा ही, और ये x प्लस 2, मतलब ये x और ये प्लस 2। अब आप यहाँ से अगर मूल निकालेंगे तो x प्लस 5 इक्वल जीरो करेंगे तो x का मान माइनस 5 आएगा, और x धन 2 बराबर जीरो करेंगे तो x का मान माइनस 2 आएगा। देखिए x के दो वैल्यू आ गए, ये था गुणनखंड विधि। अब आप देखिएगा, थोड़ा फट्टा पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर वाला, लेकिन देखना ध्यान से, पूरा देखना। देखिए अगला है पूर्ण वर्ग विधि, ध्यान से देखना, वही समीकरण होगा। देखिए साथियों, आपकी सुविधा के लिए हमने इधर रूल लिख दिया है। पूर्ण वर्ग विधि में क्या क्या करते हैं, बहुत टफ लगता है लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस टफ नहीं है। तीनों रूल लिखा गया है। पहले यक्ष के गुणांक को एक बनाते हैं, बट यहाँ पर यक्ष नहीं रहेगा, यक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाते हैं, मतलब इसके गुणांक को एक बनाते हैं। कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा गुणांक क्या होता है। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशियंट बोलते हैं। जैसे हमने लिखा 3x का स्क्वायर, इसमें x का स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशियंट 3 है, ठीक। जैसे लिखा 9y का क्यूब, इसमें y क्यूब का कोफिशियंट 9 है, तो जो उसके बगल में पड़ोसी होता है ना चार पद के, वही उसका गुणांक होता है। तो इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसमें तो कुछ है नहीं, वन ही है लग रहा है, तो पहला स्टेप तो ऐसे खलास है, पहला रूल तो हमारा आसानी से हो गया, चूँकि इसमें है ही नहीं तो करेंगे क्या, नहीं करना है। हाँ, अगर ये समीकरण ऐसे होता तो हम इसको एक बनाते, एक बनाने के लिए इसको तीन से भाग करते दोनों तरफ, हर जगह सब में, ठीक। लेकिन एक है नहीं, तो ये पहला रूल तो हमारा यहाँ पर लगेगा नहीं, ख़त्म। दूसरा,
अचर पद का पक्षांतर करते हैं, अचर पद मीन्स कांस्टेंट जो अमाउंट है उसको पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस सेवन यक्स इक्वल ये हो जाएगा माइनस का टेन, चूँकि इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का टेन। क्लियर। तीसरा रूल क्या कहता है, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है कि आखिर क्या जोड़े घटाएँ, क्योंकि पूर्व वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ता है कुछ घटाना पड़ता है। जैसे आपसे पूछें कि 14 में क्या जोड़ दें कि पूर्व वर्ग हो जाए, आप बताइए इसमें क्या जोड़ दें कि ये पूर्व वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 14 के बाद 15 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, 16 होता है, यानी कि इसको 16 बनाने के लिए क्या करें, इसमें दो जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। उसी तरह से हमको इसमें क्या करना होता है, कुछ जोड़ना और घटाना होता है, और वो क्या जोड़ते घटाते हैं, यक्स के गुणांक का आधा करके उसी का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं, ये याद रखना। तो यक्स के गुणांक का आधा क्या है, ध्यान देना जरा, यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स का गुणांक है 7, 7 का आधा करोगे क्या आएगा, 7/2, ठीक। इसका स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे, स्क्वायर का मतलब इसमें घात 2 लगा दो तो मिलेगा हमें क्या, 49/4, यानी कि 49/4 हम क्या करेंगे इसमें से, इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे इसी को, तो देखते रहना आगे क्या होता है बस। तो ये हो जाएगा 49, और हाँ ध्यान से देखना अभी, ये तो पहले लिख लो ना जो सेवन एक्स है, इसको थोड़ी हटाएंगे, 49/4 और माइनस 49 और प्लस ये भी 4, ठीक ना। लेकिन आप लोगों को इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही होगी ना, इसको हमने 49 क्यों लिख दिया, इसका वर्ग करके भी लिख सकते हो आप, तो पहले आप डायरेक्ट ऐसे मत लिखो, आप इसको 7/2 का स्क्वायर ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये ज़्यादा शार्ट हो जा रहा है, 7/2 का स्क्वायर इक्वल माइनस 10, ये हुआ तरीका। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये है बीच वाला पद, बीच वाला पद का मतलब है हमारा, जैसे आपने देखा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0, ये फार्मूला होता है ना, बीच में होता है 2ab, मतलब अगर ये प्लस है यहाँ पर तो ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ये सब नहीं जानते तो कतई ना आएगा, और अगर ये माइनस हो जाता 2ab, ये भले a का स्क्वायर प्लस है और ये b का स्क्वायर प्लस है, तो ये सूत्र a माइनस बी का होता है। तो अब आप यहीं से डिसाइड करेंगे कि ये प्लस है कि माइनस है, देखो ये प्लस है ना, इसका मतलब जो फार्मूला बनेगा वो प्लस वाला बनेगा, तो प्लस वाला किसके साथ बनेगा, अब प्लस वाला किसके साथ बनेगा भाई, बी वाला तो दोनों में देखो पॉजिटिव था ना, इसका मतलब हम प्लस वाला लेके इसको सूत्र बनाएंगे और ये बगल हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो कैसे सूत्र बनेगा, देखो ए और प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस, एक बार फिर से देख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल 0, ये होता है ना, तो ये कंप्लीट किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले शुरू का एक लेते हैं और एक लास्ट वाला लेते हैं, तो इसमें शुरू का ले लो x और लास्ट का क्या 7/2, यानी कि फाइनल में आपका क्या हो गया, ध्यान से देखना बस, जाना मत भाग के, समझ में आएगा अगर पूरा देखोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ऐसा मत करो सॉरी, घात नहीं लगाएंगे, हमें केवल मूल राशि लिखना है, मतलब मूल पद, 7/2 इसका क्या हो गया स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला बन गया, अभी मैंने 8 बार लिखा था, जिनको नहीं समझ में आया जीरो लेवल गणित ज़रूर ज्वाइन कर ले, ठीक ना। और ये माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 49 और ये हो जाएगा 4, उधर फिर 10 इधर ले आओगे 10 हो जाएगा बराबर 0, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको पूरा उधर साइड भेज करके हल कर सकते हो, और इस तरह से आप हल कर ले जाओगे, तो चलिए इसको हल करके हम आपको दिखाई देते हैं, दोनों तरीका है, चाहे तो पूरा उधर ले जाओ चाहे इधर ले आओ उसको, चलिए यहीं से करते हैं, नीचे दिख तो रहा है ना पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी एक लाइन लिख सकते हैं ना, देखना अब भिन्न हल करना हर किसी को आता है फ्रैक्शन का सलूशन करना, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 49 का एक में गुणा करोगे हो जाएगा 49 धन इसका गुणा करोगे हो जाएगा 40 और ये 4 इक्वल 0। अब हम उधर रूल मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना और कैसे आएगा ये भी देखना, देखते रहना बस कहीं जाना मत। देखिए अब क्या करोगे आप, ये जो भी है ऐसे रहने दो, पहले इसको फाइनल में हल करते हैं,
तो यक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर और माइनस इसको जोड़ लो तो 89/4 आएगा। क्या आएगा? 89/4 इक्वल आएगा 0। अब आप इसे यक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल कर सकते हो 89/4। इतना बात समझ में आई ना? देखते रहना, बस ध्यान से देखना। और हाँ, अगर एक बात और यहाँ पे सुनना, पहले एक बात और सुनना। देखिए साथियों, यहाँ पर एक मिस्टेक है। वो क्या है कि ये माइनस में है 49 ना, ये प्लस में है तो जुड़ेगा नहीं माइनस प्लस। ये देखो, अगर इतना ही देखोगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन ये देखो 49 का चिन्ह पहले माइनस में था ना, तो ये घट जाएगा आपस में, और इस तरह से घट के यहाँ पे ये मात्र 9 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ये समझ में आया ना? 89 नहीं होगा, क्योंकि 49 से 40 सबट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, घट गया। अब आपका क्या होगा पता है? यक्स प्लस 7/2, इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3/2। समझ में आई बात ना? तो इस तरह से आप इसको हल करोगे तो 3/2 माइनस हो जाएगा 7/2, और यक्स बराबर आ जाएगा आपका, घटा लोगे तो माइनस 4/2, यानी कि यक्स का जो एक मान है क्या आएगा, -2। एक्स की वैल्यू कितना आ गई, -2 आ गई, देखो सूत्र के द्वारा, है ना? ये एक्स का एक मूल आ गया। इस तरह से आप एक्स का दूसरा मूल भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब इसका वर्गमूल निकलेगा 9/4 का, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा पता है? वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों चिन्ह में लिखा जाता है, तो इसे आप प्लस माइनस दोनों लगाओगे। जब यहाँ पर हमने क्या किया था, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर प्लस चिन्ह का यूज किया, यहाँ ब्रेकेट में चाहे लिख दो, यहाँ पर धन चिन्ह लेने पर यानी कि 3/2 को हमने पॉजिटिव यूज किया था, तो यक्स का वैल्यू -2 आया। निगेटिव यूज कर लो, अब यहाँ पर लिखोगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर मालूम है क्या होगा, जब आप माइनस का चिन्ह लोगे तो आपको मिलेगा यक्स प्लस 7/2 इक्वल -3/2। अब देखिए, हमने माइनस का है ले लिया, पता है ये प्लस माइनस दोनों में आया था ना, माइनस वाला मान ले लिया, तो चलो कर लेते हैं। यक्स इक्वल हो जाएगा -3/2, उधर जाएगा ये 7/2, इस तरह से ये जुड़ेगा, तो यक्स इक्वल हो जाएगा -10/2, काट दोगे -5 आ जाएगा, कितना आएगा -5, यानी कि दो मूल एक्स के आ गए -2 और -5, और यही मूल आए थे जब आपने गुणनखंड विधि से किया था, आए थे ना, लेकिन दोनों तरीकों में अंतर है भाई। ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा, अगर नहीं देखेंगे तो नहीं आएगा। पूरा क्लास देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को नोट कर लीजिए फट से रोक करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें, जैसे टॉपिक क्लियर हो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करें फट से। देखिए साथियों, तीसरा तरीका है बिहारी का सूत्र। अब आप कहेंगे बिहारी का सूत्र कौन, हम सूत्र लिखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कौन से बिहारी का फार्मूला है। अरे वही आर्यभट्ट के, आर्यभट्ट नहीं, कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, सॉरी, आर्यभट्ट बिहार के रहने वाले थे, मालूम है आप लोगों को, उन्हीं को हम बिहारी बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आर्यभट्ट का फार्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे श्रीधराचार्य का सूत्र। तो देखिए साथियों, श्रीधराचार्य का सूत्र कौन सा लगाएंगे, -b, यहाँ पर यक्स का वैल्यू होगा यक्स इक्वल -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये है श्रीधराचार्य सूत्र। सबसे पहले इसी क्वेश्चन की हम लोग तुलना करते हैं किससे, ax² प्लस bx + c इक्वल 0 से, इसकी कंपेयर करके abc का मान निकालते हैं, तब ये फार्मूला लगता है। तो कंपेयर करना देख लो, ये है हमारा x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ से अगर आप देखो यक्स का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब a का वैल्यू 1 है। यहाँ देखो यक्स यक्स, बगल में क्या है, यहाँ b है, यहाँ 7 है ना, b का 7 है, यहाँ c के नीचे देखो 10 है, मतलब कि आपको सारी वैल्यू मिल गई, ए बी सी का सारा मान आ गया। क्लियर, आगे चलें, देखना अब क्या करना है। मान रख दो यक्स इक्वल -b का मतलब क्या है, बी का मान यानी कि 7, ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस √b² और v² का मीन्स 7 का स्क्वायर,
माइनस फोर ए सी, ए का मान वन और सी का मान क्या है 10 है, अपान टू ए, टू इंटू ए, ए का मान वही वन जो दिया है, बस इसी को हल कर लेना है। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, माइनस सेवन प्लस माइनस ये हो जाएगा 749 माइनस 4 दहमा 40, तो ये आपका मिल जाएगा 49 माइनस 40 अपान टू। देखो आंसर वही आएगा, इक्वल ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस, देखो 49 से 40 घटाओगे 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल करोगे प्लस माइनस 3 आएगा, बटा हो जाएगा 2। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह लोगे एक बार माइनस चिन्ह लोगे, तो बीच में प्लस माइनस दोनों है ना, तो एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे, तो पहले धन चिन्ह लेंगे, 3 को हम धन में लिखेंगे, तो इस तरह से हमारा आएगा माइनस 4/2, यानी कि कट के बराबर माइनस 2 आएगा। मतलब समझा, यक्स का एक मान आ गया माइनस 2, देखो हमने ऐसे हल किया बगल बगल में, माइनस 2 आया ना, अब प्लस चिन्ह ले लो, यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों था ना, एक बार जब ये प्लस लिया था माइनस ले लेंगे, तो माइनस 7 और ऊपर लिखें, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा, इसका काम ख़त्म हो गया। आप लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस 7 माइनस 3 अपान 2, यानी कि हमने 3 को माइनस में यूज किया, यहाँ पर देखो प्लस में किया था, तो ये आपका माइनस 10 अपान 2 हो जाएगा, काट दोगे तो माइनस 5 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस 5। यानी कि आपने देख लिया एक ऐसा इक्वेशन जिसको हमने आपको तीनों विधि से बता दिया, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि बताया, पूर्ण वर्ग विधि बनाया, और आपको सूत्र द्वारा भी एक सवाल बना के दिखा दिया, लगा के दिखा दिया। समझ में आ गया होगा ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस क्लास को छोड़ के मत जाना, छोड़ के ना जाना तुम आधे हजार करके, है ना, आए हो जिंदगी में तुम बहार बन के। मुझे वैसे गाना नहीं आता, लेकिन ये टॉपिक ही कुछ ऐसा था। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत। चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको तो कर लीजिएगा, और अगर आप कंप्लीट कोर्स व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं और घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा PVR स्टडी नाम से, और इस पर मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे कंप्लीट कोर्स मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं करना चाहते हो, यूट्यूब पे ही पढ़ना चाहते हो, तो यूट्यूब पे पढ़ते रहो बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी रुपया पेमेंट नहीं करना है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना बस। बहुत बहुत शुक्रिया। DLED की 2 क्लासें होती हैं, पहली रात्रि 9:30 बजे से, दूसरी 10:15 से, 9:30 बजे और 10:15 बजे से DLED की क्लास होती है रात्रि में। सैटरडे संडे नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे चलती है। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।